हेलो उरूज। हेलो। अच्छा उरूज, मैं आपसे सवाल करूंगी, आप जवाब दें। कौन सा? आपको उर्वा कितनी अच्छी लगती है बताओ? मेरी बहन। तो लड़ते क्यों हो सारा दिन? ये ना पागल है बहुत, ये अच्छी नहीं लगती। नहीं, वेरी बैड। पागल बोलते हैं अपनी बहन को, छोटी बहन है ना आपकी। चलो उर्वा, उर्वा आपको उरूज कितनी अच्छी लगती है, आपकी उरूज क्या लगे? सिस्टर, अच्छा, बढ़िया। आपी ये भी है सिस्टर लगे। तो अपना नाक तो साफ करो। गाइस को बुखार है, ये फिर भी हुरेन से हुरेन हरिंग से खेलती है। इसको बस हुरेन हरिंग भी लगती है, तो सोती है भी हुरेन हरिंग। यार एक आग में गाइस हुरेन, तो इसको एक हाथ में हरिंग। तो गाइस ये ना नकली है, इसको ना हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो गाइस बाद में मिलते हैं इसका, मैं अभी एक पिटाई कर लूँ ना, याद आ जाएगी नानी इसको। ऐसे मेरी बहन ना पागल है। हो, और आप? मैं सिंड्रेला हूँ, अच्छा उर्वा, गाना सुना। मेरे दिल की हाथ सुनाइए तो गड़बड़ जैसी मेरी बे, तो गात नहीं तो मिलती है तो गात नहीं मेरी नकली बे। ये कौन सा गाना है? चल मैं गाना सुनाती हूँ। गाइस मैं अपनी सिस्टर का एक गाना सुनाती हूँ। मेरी जो बहन है ना, उनसे प्यार भी करती है, लड़ती भी है। और जो बहन आती है ना, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। देखो उरूज कितनी अच्छी है उर्वा। हाँ, चल फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में बीते दिन हंस रही है। जब उर्वा की बर्थडे होगी तो उरूज उसको क्या गिफ्ट देगी? मैं दूंगी एक स्टिकर। स्टिकर स्टिकर? नहीं, डॉल चाहिए मुझे, डॉल। अच्छा ये कह रही है मेरी बहन, मेरी सिस्टर कह रही है, तो चलो उसके लिए डॉल ही लाते हैं, मंगवा ठीक देते हैं ठीक जिसकी बर्थडे होगी। ओके। भाभी इससे पूछिए मम्मा। अच्छा उर्वा, उरूज की बर्थडे होगी, आप उसको क्या दोगी? वॉच वॉच? क्यों? वॉच क्यों चाहिए? मैं कोई लड़की हूँ, मुझे वॉच पसंद नहीं। मुझे चाहिए एक किताब और एक मार्कर, सही? और मुझे अच्छा उरूज, उरवा के लिए टिश्यू लेके आओ। अच्छा लेके आओ, मेरी सिस्टर के लेके। आपको अम्मी से मोहब्बत है या बाबा से? अपनी पापा से, है आप दोनों से, चमची आप दादा से। हाँ दोनों से कौन अच्छा ज्यादा लगता है? आप दोनों। और मैडम आप? मेरी मम्मी नहीं, मुझे पापा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ना गंदी है। पागल मुझे टीचर चाहिए। उर्दू में? मम्मी मम्मी मेरे टीचर ने कहा था, हम्म, एक बच्चे बोल रहे थे कि मुझे पापा अच्छे, और दूसरे बच्चे बोल रहे थे कि मुझे मम्मी पसंद है। तो टीचर ने हमें बोला कि हमें दोनों पसंद है, आप ऐसे कह देना। टीचर ने ऐसे बोला तो हम भी आपसे ऐसे ही बोलोगे। मम्मी सुनो, मुझे पापा और ना मम्मी और नानू और चाचू और फरार और सैकड़ और सब कुछ। मुझे उरूज नकली उरूज। हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे, मैं भी खैर से हूँ। अच्छा जी, आज तो मैं आपा लग रही हूँ। ग्लासेस लगाएं, ये ग्लासेस मुझे लगे हुए हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किए, काफ़ी कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि रोज़ लगाना होता नहीं है। तो क्यों नहीं लगाती? क्योंकि जब ये लगाती हूँ फिर मैं उतारती हूँ ग्लासेस, तो मुझे और नज़र ही नहीं आता कुछ। वैसे मेरी जो आई साइड है वो बिल्कुल एंड है। तो चलो जी, आज का दिन जो है ख़त्म हो गया है, अभी रात है, रात को 3:30 हो रहे हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही।
ये देखें दी, हमारी छतें वगैरह सारे सब कुछ जवाब दे गई है। अच्छा जी, रात का टाइम है, आज मेरा दिल चाह रहा था मैं कावा पीऊँ। मैं वैसे रोज़ कावा पीती थी अपने वेट के लिए, अब तो वेट वेट सब कुछ एंड हो गया है। एंड मतलब कि मैं कम स्मार्ट नहीं हुई, मैं ये नहीं कह रही, मतलब ये है कि जैसे दिन चल रहे हैं वैसा दिल ही नहीं करता कि आप कुछ करो, कुछ भी करो। लाजमी बात है, सारा घर ख़राब हो गया है हमारा, तो कैसे दिल करेगा। चलो जी फिर भी चलते हैं, अभी कावा बनाते हैं। अच्छा जी देखिए जी, चप्पल पहने, उफ अल्लाह, बाहर की कंडीशन देख के बड़ा दुख और दर्द हो रहा है। ये कल सूख गया थे, कल बिल्कुल बरसात नहीं थी, आज फिर बरसात इतनी हो गई है। बताया तो है 27 तक बताया है कि होगी। अच्छा जी ये तरफ देखते हैं हम, चलो शुक्र है अदरक तो मिल गई, फिर पकाया रखते हैं। अदरक मिल गई है, अदरक का कावा पीती थी मैं रोज़ रेगुलर, लेकिन अभी मसला ये है कि दिन ही ऐसे चल रहे हैं, अदरक क्या हमें खाना पीना भी याद नहीं है। अच्छा जी ये रखते हैं यहाँ, ये अपनी जगह पे रखते हैं। किचन में आओ तो किचन मेरा लगता है बहुत, ये देखें ना यहाँ से भी ये छतें बह रही हैं, कुछ जाना आना हो नहीं रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है फिर दिल ही नहीं चाह रहा कुछ दिखाने को, कुछ करने को बिल्कुल नहीं चाह रहा, सच बात है, सब क्या करें। चलो जी ये एक हाथ से तो कुछ नहीं होगा, कह रखते हैं मोबाइल कहीं जुगाड़ करते हैं जी। पानी लेते हैं, डिस्पेंसर तो बंद है, चलो पानी आ ही जाएगा इसमें। पानी मुझे ज़्यादा चाहिए क्योंकि बॉईल करूँगी तो लाजमी बात है पानी ज़्यादा की ज़रूरत होगी। अच्छा जी आग जला ली, और ये है सौंफ, ये सौंफ है। अच्छा मैं कैसे दिखाऊँ आपको, एक हाथ से तो मैं ये कर नहीं सकी, कोशिश करती हूँ, ट्राई मारते हैं जी। अच्छा जी ट्राई चल गई, ये देखें जी, ये हाफ स्पून आप डाल सकते हैं, ये टी स्पून नहीं है सौंफ। आप ये बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत मैंने इसको काफ़ी अरसा यूज़ किया है, आपके पेट के लिए अच्छी है। और सौंफ तो आपको, सौंफ का पानी तो बहुत अच्छा है, बहुत। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे इसके इसके इतने बेनिफिट हैं कि मैं तो कुछ बता नहीं सकती, लेकिन बहुत है, बहुत है, इतने हैं कि बस बेशुमार। आप अक्सर अपनी वेट लूज जर्नी में जिसको भी देखोगे तो ये सौंफ का पानी ज़रूर बताते हैं। जो फिटनेस वाले होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, वो लाजमी बताते हैं इसके बारे में। मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वैसे मैं यूज़ करती हूँ, मेरे सारे घर वाले यूज़ करते हैं सौंफ। सौंफ को करते हैं, उसकी फक्की बना के रख लो एज यू विश, जैसे पसंद है आपको। आप
जी चलो पीते हैं, इंजॉय करते हैं। वैसे तो मुझे बड़ी भूख लगी हुई है, लेकिन क्या करें अभी इसका ऐसे काम चलाते हैं जी। चिंटिनी।